फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू से बनी बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, जो कि बिल्कुल नई है, बहुत ही कम सामान से बन जाती है। इसके आगे समोसा कचौरी बिल्कुल फेल है। क्रिस्पी से क्रिस्पी पैटीज भी इसके सामने कुछ नहीं है। इसे आप एक महीने तक स्टोर करके इसका मजा ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा भुनता है, इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी धीमी आंच पे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे हल्का सा। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, तीखा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच ऐड कर देंगे जीरा पाउडर और सभी मसालों को चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे धीमी आंच पे। अब हम मसाले में दो बड़े चम्मच पानी ऐड करके चला लेंगे। इससे मसाले जलेंगे नहीं और काफी अच्छे से भुन जाएंगे। इसके बाद हम इनमें डाल देंगे दो मीडियम साइज के उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू। आलू को ग्रेट करने से इनमें कोई भी लम्स नहीं होता है। आप चाहे तो खूब अच्छे तरीके से इन्हें मैश करके भी ले सकते हैं। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप सोया चंक्स, जिन्हें हमने अच्छे से उबालने के बाद पीस कर लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है और काफी ज्यादा ये हेल्दी हो जाते हैं। बट आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आलू के साथ भी ये मसाला तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें उबले हुए स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ, मेरे पास थे तो मैंने ऐड किए हैं। आप चाहे तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। कुछ सब्जी ऐड करके भी ये मसाला आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी इसमें अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। फ्लेम को थोड़ी देर हाई पे करते हुए इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे तो हमने इसमें जो भी ऐड किया था वो पका पकाया है, बट फिर भी इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए दो मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसके बाद आखिर में ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ और फिर से हरे धनिया को मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल करके ठंडा कर लेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है यहाँ पे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। एक बोल लेंगे, इसमें डाल देंगे आधा कप मैदा। मैदे में डाल देंगे चुटकी भर नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे घोल तैयार हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ ये कितना पतला और कितना गाढ़ा है। तो इस तरह का आपका होना चाहिए कि चम्मच इसमें डालें तो एक लेयर इसमें बन जानी चाहिए। ये देखिए, चम्मच कोट हो जाना चाहिए। तो हमारा आलू का मसाला भी तैयार हो चुका है और यहाँ पे जो घोल हमने मैदे से तैयार किया है वो भी तैयार हो चुका है। इतनी देर में हमारा आलू का मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसे हम शेप देकर के तैयार कर लेते हैं। अपने मन चाहे शेप में इसे आप बना सकते हैं। मैं इन्हें बाल का शेप दे रही हूँ। सबसे पहले मसाले को उठाते हुए हाथों से इस तरह से सिलेंडर का शेप दे देंगे। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे देंगे, जिससे कि ये बाल का शेप ले लेगा। अपने मन चाहे शेप में आप इसे बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से सभी को हम शेप दे करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को शेप दे करके तैयार कर लिया है। अब आगे वाली प्रोसेस में जाने से पहले आप देख लें, यहाँ पे मेरे पास कुछ है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा होगा आपको, बहुत आसानी से बन जाता है। घबराइए नहीं, मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूंगी अभी। तो ये है समोसा पट्टी की कतरन। इसे आप रेडीमेड वाले समोसा पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल शीट, जो मार्केट में अवेलेबल होता है आसानी से, उसे बिल्कुल बारीक इस तरह से पतला पतला कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैं इसकी रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। ये बहुत आसानी से घर पे बन जाता है और मैंने भी इसे घर पे ही तैयार किया है। तो इसके लिए एक बोल में लेंगे एक कप मैदा। मैदे में ऐड कर देंगे चुटकी भर नमक और हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। यहाँ पे डो मैंने लगा लिया है इसका, और इस तरह से डो लगाने के बाद इनकी पूड़ी की साइज की लोइयां तोड़ लेंगे। अब इन लोइयों को थोड़ा से सूखे आटे के साथ हम बेल लेंगे पूड़ी के जितना। यहाँ पे पूड़ी की साइज की मैंने तीन लोइयों को बेल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी या फिर डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तीन के बना रही हूँ, आप तीन चार पांच जितने के भी एक साथ बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे इन पर। सूखा आटा और तेल को अच्छे से लगाने के बाद एक के ऊपर एक हम इस तरह से रखते जाएंगे। इन्हें एक के ऊपर एक इस तरह से रखने के बाद हाथों से थोड़ा सा फैला कर इन्हें हल्के हाथों से बेल लेंगे।
यहाँ पे आपको रोटी बेलनी है एक बड़े साइज की, जो कि पतली होनी चाहिए बिल्कुल। बहुत ज्यादा भी पतली ना बेलें, नहीं तो इनमें से लेयर्स नहीं निकल पाएंगे, और ज्यादा मोटी होगी तो भी अच्छे लेयर्स नहीं निकलेंगे। तो देखिए यहाँ बड़े साइज की मैंने चपाती बेल ली है। अब यहाँ पे एक तवे को बहुत अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है, हाई फ्लेम पे रखना है आपको तवे को, और तेज गर्म होना चाहिए आपका तवा। इसमें डाल देंगे अपनी रोटी। जैसे ही एक साइड से ये पक जाए, इसे पलटकर दूसरे साइड से हल्का सा स्पैचुला से दबाते हुए इसे पका लेंगे और इसे निकाल लेंगे, तो लगभग ये आधे सेकंड में बनकर तैयार हो जाती है। तो कुछ ही सेकंड्स लगते हैं इसे बनने में, हाफ कुक हो चुके हैं ये, और इसके लेयर्स आपको गरम गरम ही निकाल लेने हैं। अच्छे से तेल और अच्छे से सूखा आटा लगाने की वजह से इसके लेयर्स बहुत आसानी से निकल आते हैं। मैंने यहाँ पे 3 के लेयर्स बनाए हैं, आप 4, 5, 6 जितने भी बना सकते हैं एक साथ। ये जो शीट बनकर तैयार हुई है कितनी ज्यादा नरम है और कितनी पतली है, मेरे हाथ देख सकते हैं आप इसके आस पास। तो देखा इसे घर पे बनाना कितना ज्यादा आसान है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए, किसी जिप लॉक बैग या किसी एयर टाइट डब्बे में डाल करके आप इसे फ्रीज कर दें, और जब भी आपको इसे बनाना हो इसे निकाल करके आप समोसा पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल शीट तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों अब इसे कट कर लेते हैं समोसा पट्टी की शेप में। फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को भी लाइक कर दें। तो देखिए मैंने इसे सीजर की सहायता से समोसा पट्टी की शेप में कट कर लिया है। इसके जो साइड्स निकले हैं ना उन्हें भी बिल्कुल ना फेंके, उन्हें भी आप कट करके इस्तेमाल करें। अब इसे हम रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद इसे चाकू की सहायता से इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरह से समोसा पट्टी को हमने घर पे बना लिया है, और इसके लच्छे हमने घर पे तैयार कर लिए हैं। ये लच्छे काफी क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई होने के बाद, बट इसे सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर लेंगे, इससे ये सुपर क्रिस्पी बनेंगे। अब आलू के कटलेट को डिप करेंगे मैदे के घोल में अच्छी तरीके से, इसके बाद इसे लपेट लेंगे समोसा पट्टी के लच्छों में, और बहुत आसानी से ये लच्छे चिपक जाएंगे इस कटलेट पे। इसी तरह से आपको सभी को अच्छे से लपेट करके तैयार कर लेना है इन पट्टियों से। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, आपने देख लिया, और काफी यूनिक नाश्ता तैयार होता है। इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिया है। आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, जब भी आपका मन करे इन्हें खाने का इन्हें फ्रीज से निकाल करके फ्राई करके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है, मीडियम गरम तेल होना चाहिए आपका, बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए। तो इसमें डाल देंगे इन्हें फ्राई होने के लिए, एक एक या दो दो करके इन्हें फ्राई करें, एक बार में बहुत ज्यादा ना डाल दें। इन्हें फ्राई करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें आपको उलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत हल्के हाथों से पलटे इन्हें, नहीं तो ये टूट सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिस्पी हैं। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सा इनमें कलर आ जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर ही, और काफी क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे, तब इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार हो चुका है हमारा आलू का बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। इसे आप टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।